भजन संगीता 23, यहोवा मेरा चरवा का पहले वाक्य से प्रभु ने मुझसे बात की है। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। जब मैं दुख के दिनों में थी, आप सब जानते हैं, परमेश्वर ने हमेशा प्रबंध करके दिया है और मैंने सोचा भी नहीं था उससे भी बढ़कर परमेश्वर ने हमें दिया था। जब बाला की नौकरी नहीं थी, आप जानते हैं सब लोग, तब परमेश्वर ने हमें अद्भुत तरीके से संभाला। जिस तरह तेल कुप्पी भंडार भरा रहता है, परमेश्वर ने हमेशा हमारा भंडार भरा रखा। हमें कुछ भी ऐसा मतलब दिक्कत नहीं आई कि हमें क्या मतलब कल का हम क्यों सोचें। सारे बोझों को प्रभु के ऊपर डाल दिया था। और यशाया 43 के 5 से परमेश्वर ने मुझसे बात की, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा वंश को पूर्व से ले जाऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। प्रभु ने हमेशा एक धीरज हमें दी, क्योंकि हम हर रास्ते पे जाते थे, संसार के लोगों के बीच में बैठते थे, बस एक ही मन में सोचते थे पता नहीं क्या होगा। बाला के जीवन में भी हमेशा वो जो भी रास्ते पे जाता था उसे ये लगता था पता नहीं क्या होगा, लेकिन हमें अंदर से हमेशा एक आवाज परमेश्वर ने दी, मत डर क्योंकि वो हमारे साथ है, तो हमें संसार के लोगों से क्यों डरने की जरूरत है। परमेश्वर ने हमेशा हमें धीरज सहारा दिया, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ मैं परमेश्वर को। इस वचन से प्रभु ने मुझसे बात की। परमेश्वर, ये भजन संगीता 23 और 43 जो है सब आशीष का वचन है हमारा जिंदगी में। परमेश्वर, भजन संगीता जो 23 भजन संगीता है, इसमें परमेश्वर सब कुछ हमारा जिंदगी में कर दिया है, क्योंकि हमारा जिंदगी में हर एक कमी घटी को परमेश्वर दूर किया है। और जो कुछ भी इधर वचन में लिखा है, सब कुछ हमारा जिंदगी में परमेश्वर संभाल संभाल कर इतना दूर तक हमें लेकर आया। और हमारा जिंदगी में एक आशा है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेंगी और मैं यहोवा का धाम में सर्वदा वास करूंगा। एक बहुत बड़ा एक आशा हमारा जिंदगी में है, परमेश्वर ऐसा बात मुझसे कर रहे। और 43 का जो 2 से जो वचन है कि जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदिया में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेगी, जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसके लो तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। इसमें परमेश्वर यही बात कर रहा है कि अभी का जो सिचुएशन है, हमें विश्वास के साथ परमेश्वर की ओर देखना है। और ये वचन बार बार हमारा मन में दौड़ना है कि हम कभी भी कमजोर होएगा, कभी भी सिचुएशन को देख के हम कमजोर हो जाता है, पर परमेश्वर से हमें विश्वास करने के लिए उस आत्मा को हमें मांगना है कि हम विश्वास में मजबूत होकर, और इस वचन को हमारा हृदय में रखना है कि परमेश्वर हमें वचन दिया है कि ये सब सिचुएशन से अंदर से तू जब जाएगा तभी तुझे कोई भी उसमें तुझे कोई तकलीफ दे ना सकेगा, क्योंकि यहोवा जो परमेश्वर वो हमारा मेरा परमेश्वर है, वही हमें संभालेंगे। मेरा जिंदगी में भी प्रभु ऐसे ही मार्च महीने से जो चल रहा है लॉकडाउन, तब से अभी तक बहुत सारी रास्ते से मैंने चला, पर परमेश्वर मेरे साथ रहकर, मेरे परिवार के साथ रहकर हर एक सिचुएशन को परमेश्वर संभाला। जैसा माँ अपना माता पिता जैसा बच्चे को संभालता है, ऐसे ही परमेश्वर आपकी पुतली जैसा मुझे मेरे परिवार को संभाला। परमेश्वर को इस वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ। मुझे ये जो दोनों वाक्य आज पढ़े हम, सैम्स 23 और आइज़ाया 43, ये दोनों में एक कंपैरिजन मुझे परमेश्वर ने दिखाया, वो ये है कि सैम 23 में दाविद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, यानी हम परमेश्वर को हमारा चरवाहा बनाते तो हमें क्या क्या किसी भी बात की चिंता नहीं है, ये सब हम यहाँ पर पढ़ते हैं जब हम परमेश्वर को हमारा चरवाहा मानते। और आइज़ाया 43 में परमेश्वर ने मुझे ये बताया कि यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे चुना है, मैं तुझे सुरक्षित रखा हूँ, मैंने तेरा नाम लेकर पुकारा है, तो मैं तुझे ये सब आशीषें दूंगा। यानी दोनों में मुझे ये कंपैरिजन लग रहा है कि हम परमेश्वर को चुने या परमेश्वर हमें चुने, आशीषें तो परमेश्वर उनके बच्चों को देते ही है। यानी इसमें लिखा है आइज़ाया 43 में, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, तू मेरा ही है। यानी कितना एक आशीषित वाक्य है ये कि परमेश्वर कहता है कि तू मेरा है, एक प्रॉपर्टी बनाता है परमेश्वर हमें, तो हमें किसी बात की चिंता नहीं और डरने की भी कोई बात नहीं है। परमेश्वर कहता है कि तू और किसी का नहीं है, जब हम
पॉजिटिव होते ना कोई इंसान किसी के लिए, उस तरह के अनुभव मुझे ये आइज़ाया 43 में दिखाई दे रहा है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पोजीशन बन जाए हमेशा के लिए। तो कोई भी हमें कुछ भी नहीं कर सकता, कोई हमें हानि नहीं पहुंचा सकता है, बट हमें उसके आड़ में रहना है, उसी के छाए में रहना है, तो ही परमेश्वर हमें ये सब आशीष देंगे। तो परमेश्वर ने ये बात की मुझसे कि वो हमसे हमें लेकर बहुत ही पॉजिटिव है। हमें कभी कुछ चीज अच्छा लगता है तो हम कैसे किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, उस तरह से यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि तू मेरा है, मैंने तुझे चुना, मैंने तुझे अपना तेरा नाम लेकर बुलाया, यानी हम कितने परमेश्वर के करीब है और परमेश्वर हमें कितना चाहते हैं, इसके बारे में मुझे यहाँ पर आइज़ाया 43 में दिखाई दिया है। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। साम्स 23 वर्स 5, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज भी जाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, निश्चय भलाई और करना जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। ये साम्स नंबर 23 का वजन सब वजन हमारे लिए वायदा का रूप में प्रभु ने दिया हुआ है। जब भी जब हमारा जीवन में हम इस परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता के रूप में, अपना चरवाहा के रूप में हमारे जीवन में अपनाया, तभी से लेकर ये जो वजन है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज भी जाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, हमारा जिंदगी ऐसे ही गया है। प्रभु ने जो भलाई करुणा जीवन भर देखने के लिए, अभी तक देखने के लिए प्रभु ने सहायता किया, क्योंकि प्रभु मेरा चरवाहा था इसके लिए। और इसका बहुत सारे वाक्य है, कभी कभी हम घोर भरे अंधकार से चलते हैं, तभी भी हमारा हाथ को प्रभु पकड़ा हुआ है, इसलिए हम कभी गिरता नहीं। 43 साम्स नंबर 43 में भी यही कहा गया है कि तू नदी में होकर चले, हमारा जीवन में कितना भी तकलीफ आएगा, हम कभी कभी सोचते हैं कि हम नाश हो जाएगा, हम नष्ट हो जाएगा ऐसा करके, लेकिन प्रभु हमारा हाथ, प्रभु ने हमें बुलाया है, प्रभु हम पर वायदा भरोसा देते हैं, मैं तुझे अपनाया है, मैं तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया है, इसलिए तू डरो मत करके प्रभु ने ये कहा है। और 43 का एक और वाक्य मेरे दिल को छुआ, मैं उत्तर से कहूंगा दे दे और दक्षिण से कि रो मत रख, मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की छोर से ले जाओ। ये हमारा कलीसिया के लिए प्रभु का अगुवाई है, क्योंकि हमारा कलीसिया का चारों तरफ हमें ये प्रार्थना करना चाहिए, शत्रु जिसको रोके रखा है, हमें प्रभु अधिकार के साथ करते हैं, तो कहे उत्तर से कहे तो और दक्षिण से भी कहे तो रोक मत, जो भी प्रभु का सन्निधि में आना चाहते सभी को आने के लिए, और जो लोग प्रभु को नहीं पहचाने वो लोग को अधिकार के साथ में हमें प्रार्थना भी इन दिनों में करना चाहिए। भजन संहिता 23 और आशिया 43 दो भागों से हम पढ़ा, मैंने इसलिए दो भागों पढ़ने के लिए बोला, भजन संहिता 23 तो आत्मा मुझे अगुवाई दिया, मेरे मन के अंदर इसे एक सोच आया, 23 में जो बातों बता रहे उसके साथ में हम पढ़ सकते, दूसरा एक आयत भी हमें पढ़ना चाहिए। मेरे मन के अंदर जल्दी आयशा 43 आया, प्राण सिस्टर ने ये दोनों भाग के कंपैरिजन बताया, मैं तीन वजन का कंपैरिजन करना चाहता हूँ, और भी एक भाग आपका ध्यान में लाना चाहता हूँ, आप बाद में उस भागों को पढ़ लीजिए। व्यवस्था विवरण 31 का 1 से लेकर 8 तक आए तो Deuteronomy चैप्टर 31:1-8 एंड अगर हम इस तीन भागों को कंपेयर करेगा, Deuteronomy 31 का 1 से लेकर 8, भजन संहिता 23, आयशा 43 का 1 से लेकर 7वां आयत तक हम पढ़ा, इस तीनों भागों को हम कंपेयर करेगा, मुख्य तीन बात में इस तीनों भागों में देख सकते हैं। तो आत्मा मुझे बात किया, आज सुबह बात किया, कुछ बात में जल्दी बोलना चाहता हूं। एक, परमेश्वर उसके बारे में सबसे पहले कुछ कहा है, व्यवस्था विवरण में कहा लॉर्ड योर गॉड
आपका खुदा, आपका परमेश्वर बहुत, द लॉर्ड योर गॉड हिमसेल्फ विल क्रॉस, आपका खुदा, आपका परमेश्वर आपके आगे जाएगा। व्यवस्था 31 जोशुआ को चुन के लोगों का अगुवाई करने के लिए, लीडर बनाने के लिए चुनने वाला एक भाग है, ना तो उसको ऑर्डेन करने वाला भाग है। मूसा का समय के बाद में, मूसा का सेवकाई जब खत्म हो जाएगा उसके बाद में लोगों का अगुवाई करने के लिए जोशुआ को चुन रहे, उस भाग है व्यवस्था 31। इधर परमेश्वर को एड्रेस किया है, लॉर्ड योर गॉड, आपका खुदा, आपका परमेश्वर सबसे पावरफुल ऑफिस है परमेश्वर, उसका ऊपर कोई नहीं, सर्वशक्तिमान है। भजन संहिता 23 में कहा शेपर्ड चरवाहा, गॉड चरवाहा। आयशिया 43 में कहा हे इसराइल तेरा सृजनहार, तेरा सृष्टिकर्ता, सो क्रिएटर। सो फर्स्ट कंपैरिजन है तीन भाग में, परमेश्वर आपका खुदा है, परमेश्वर आपका चरवाहा है, परमेश्वर आपका सृष्टि करता है। आज सुबह मैं कहना चाहता परमेश्वर प्रभु अपना परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, अपना चरवाहा है, मतलब चरवाहा कैसे चलाते है वैसे हमें अपना जरूरियों को जानने वाले, इसका मतलब परमेश्वर जब बनेगा वो सब कुछ कर सकते हैं, वो पावरफुल है, सर्वशक्तिमान है। चरवाहा जब बनेगा हर जरूरियों को जानते, और सृष्टिकर्ता, सृष्टिकर्ता का जिम्मेदारी बहुत बड़ा, ये बात भी समझ लो, सृष्टिकर्ता ने कुछ जिम्मेदारी रखे हमें बनाया, आपको मुझको ऐसे ही नहीं बनाया, अगर उन्होंने हमें सृष्टि किया, हमें बनाया, कुछ मकसद रखे बनाया। दूसरा बात, ये तीनों अध्यायों में ये बात कह रहे, जब हम ऐसे मुसीबत के बीच में से गुजरेगा वो हमारा साथ रहेगा। किस तरह का मुसीबत है? भजन संहिता 23 में कहा जब आप घोर अंधकार का तराई से गुजरेगा, मतलब जीवन का सबसे अंधकार भरी हुई तराई से गुजरेगा। हालेलुया, दैट्स मैं इसे कहना चाहता हूं सबसे तसली देने वाला, दिल के अंदर धैर्य देने वाला वचन। भजन संहिता 23 काफी बार पढ़ा है, लेकिन आज ही सुबह जब पढ़ा भजन संहिता 23 का उस जो 4, मेरे दिल को इतना छुआ, इतना धैर्य दिया। अब जरा इमेजिन करके देखो ना क्या लिखा है उधर, घोर अंधकार का तराई से मैं गुजरेगा, तू मेरा साथ में है, प्रभु मेरा साथ में है, वायदा है। मैं जरा इमेजिन करके देखा, और अंग्रेजी बाइबल में लिखा है मृत्यु का तराई से मैं गुजरेगा, मृत्यु का तराई से मैं गुजरेगा, मैं अकेला नहीं है, घोर अंधकार का तराई से जहां मृत्यु का साया है उधर से मैं गुजरेगा। कुछ लोगों को प्रभु का आत्मा आज इसमें कह रहे, आपका जीवन का सबसे बड़ा मुश्किल का दिनों से आप गुजरते होगा, आपके ऊपर अंधकार का साया, सारे अंधकार का शक्तियों में आपके ऊपर उस छवि का नीचे होगा। मैंने इसे इमेजिन किया मेरे प्यारो, ऐसे आप जरा कल्पना में देखो, एक तराई से आप अकेला जा रहे और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, और अंधकार बोलने से अधिक एक मृत्यु का पावर उस तराई में भरा हुआ है, आप अकेला है, कितना भीड़ से भरा हुआ एक अवस्था है, कैसे गुजरेगा उस तराई से, बहुत लंबा तराई, लेकिन आपके साथ में कोई चल रहे, उसका सोटा और उसका लाठी लेके कोई आपको तसली करने के लिए आपके साथ में चल रहे, और डर फुर होने का जरूरत नहीं है। व्यवस्था 31 में भी क्या कहा मालूम है, मूसा को कहा मूसा तुम इस यॉर्दन निर्दान पार करेगा नहीं, इस रिवर तुम पार करेगा नहीं, लेकिन व्यवस्था 31 में लिखा मैं तेरा आगे यहोवा तेरा परमेश्वर, प्रभु तेरा परमेश्वर, ही इज गोइंग टू क्रॉस बिफोर यू, तुम पार करने से पहले कौन पार करेगा। हालेलुया, व्यवस्था 31 का 3, द लॉर्ड योर गॉड हिमसेल्फ विल क्रॉस ओवर अहेड ऑफ यू, आप पार करने से पहले नदी को कौन पार करेगा, यरदान को कौन पार करेगा, परमेश्वर पार करेगा। मैं कलीसिया को बोलना चाहता हूं,
आप और मैं जिस समस्या से आज चल रहे ना, प्रभु ने हम पार करने से पहले अपने आगे आगे चल रहे। He is walking ahead of us. Isaiah 43 में भी वही कहा, तुम जब पानी से गुजरेगा, नदी से गुजरेगा, अग्नि से गुजरेगा, मैं तेरा साथ में हूं, मैं तेरा साथ में हूं। तीनों अध्याय में एक कंपैरिजन में करना चाहता हूं। नंबर वन, हु इज गॉड? योर गॉड, योर शेपर्ड, योर क्रिएटर। हालेलुया। आपका परमेश्वर, आपका चरवाहा, आपका सृष्टिकर्ता। सृष्टिकर्ता का जिम्मेदारी बहुत बड़ा है, नष्ट होने के लिए नहीं देगा, मकसद रख के बनाया है। इसलिए आप नदी से गुजरने दीजिए, नष्ट होने वाला नहीं है। क्यों? सृष्टिकर्ता का जिम्मेदारी है, किस मकसद रख के आपको बनाया है, उस मकसद पूरा करना। पिछलों को पुकारने कह रहा, आपका जीवन, आपका जन्म ऐसे ही हुआ नहीं, परमेश्वर ने कुछ मकसद रखे आपको बनाया है। तो वो मकसद जब तक पूरा ना होगा तो कुछ हानि नहीं होने वाला है। उस जो तराई से गुजर रहे, उस पानी, उस नदी आपको डुबाने वाला नहीं, उस अग्नि का ओस आपको लगने वाला नहीं है। तीसरा बात कंपैरिजन में हम देखेगा, उन्होंने बार बार कहा है, डरो मत, डरो मत, डरो मत। व्यवस्था 7-8-6 उस सारी आयतों में हम देखेगा यीशुओं को कह रहे, या बांधो, डरो मत, डरो मत, डरो मत, परमेश्वर आगे जाके तेरे रुकावटों को हटाएगा। आप पहुंचने से पहले आपके आगे परमेश्वर जाके क्या करेगा, उस रुकावटों को हटाएगा। एशिया में भी कह रहे, डरो मत। भजन संहिता 23 में कह रहे, मैं नहीं डरेगा, मैं क्यों नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में है। आंखें बंद करके आज हम प्रार्थना करेंगे। रुकावटों कह रहे, घोर अंधकार की तराई से जब हम गुजरेगा, हम अकेला नहीं है। बच्चों, इस दिनों में हम जिस तराई से चल रहे, बहुत विपत्तियों से भरा हुआ, समस्याओं से भरा हुआ तराई में होगा, लेकिन हम अकेला नहीं, हमें डूबने नहीं देगा। प्रभु ने एशिया को कैसे वायदा दिया, वैसे ही उसका महिमा के लिए जो चुन के रखा वो लोगों को उन्होंने इकट्ठा करेगा। प्रभु कुछ लोगों को चुन के रखा है, देश में चुन के रखा है। जैसे लिसिस ने कहा, कलीसिया के लिए प्रभु ने देश में जो चुन के रखा वो उनका महिमा के लिए, जो वजन हमें 40 दिन उपवास और प्रार्थना में बताया, एक वजन है, उनका महिमा के लिए कुछ लोगों को देश में प्रभु ने चुन के रखा, उसको प्रभु लाएगा। हालेलुया। किसका महिमा के लिए? परमेश्वर का महिमा के लिए। प्रार्थना करेगा, साथ में प्रार्थना कर दीजिए।